नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो और जानना चाहते हो वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनका क्या एक्शन रहेगा, वो क्या चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस देख लेते हैं। टॉरस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। इन 72 घंटे में उनका क्या फीलिंग्स है आपके लिए। टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। टॉरस टू ऑफ कप्स, खुश हो जाइए। कार्ड्स दो आए हैं लेकिन मैं एक ही लूंगी, द एम्प्रेस। टॉरस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपसे करंटली बहुत ज़्यादा, पहले कार्ड दिखा दूँ आपको देख लो खुश हो जाओगे आप। टू ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ये इंसान करंटली बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं आपके प्रति। ट्विन फ्लेम जैसा प्यार उनको लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। ये आपकी सुंदरता के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं करंटली। ये अचानक से चाहते हैं आपसे मिलने चले आए, आपसे बात करें। ये क्या करेंगे अभी, ये खुद के एनर्जी के साथ ये मैच नहीं कर पा रहा है। कभी लग रहा है कि आपके पास चले आए, कभी चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं ये बात बता दे, कभी उनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो ये बात आपको बता देना चाहिए। और इनको ये भी लगता है कि ये जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करेंगे उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी होगी। आपके साथ एक सोलमेट टाइप वाला कनेक्शन ये करंटली फील कर रहा है। आप जो हो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो करंटली। और ये खुद में नहीं है अभी, ये सोच रहे कि मैं क्या करूं या करूं, चली जाओ मिलने या मिलने आ जाओ। अचानक से क्या कर देंगे पता नहीं, अचानक से ये आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को साझा करना चाहते हैं। और जो प्यार महसूस कर रहा है ये इंसान, बंदा हो या बंदी ये आपको पता है जब ये रीडिंग देख रहा है, तो ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी से आके, जैसे बोलते हैं कि जादू की झप्पी दे देना, मतलब कुछ भी प्यार में कुछ भी करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा करंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, लव, नॉट ओनली अट्रैक्शन, अट्रैक्शन विथ लव ये फील कर रहा है। और ये बेचैन है आपसे मिलने के लिए। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या है। ये तो इनकी करंट फीलिंग्स हुई टॉरस यानी वृषभ राशि। अभी देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। आपकी पर्सन चाहते क्या है। हाँ, बहुत सारा बात करना, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना, ये दुखी नहीं रहना चाहते हैं, परेशान नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप लोगों में कुछ अनबन हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातें बंद है, तो इनको लगता है कि आपने इनसे बात क्यों बंद किया, क्यों इतनी आप उनको सताते हो, क्यों दुखी करते हो, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों, मतलब ये चाहते हैं ये परेशानी सब खत्म हो जाए। अगर कुछ परेशानी है दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये आपसे बात करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। फिजिकल ना हो, कम से कम डिजिटली ये आपसे बात करना चाहते हैं।
ये क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं कि क्यों आप इनके साथ ऐसे कर रहे हो, क्यों बातें बंद करके रखा है, क्यों उनको ब्लॉक किया है, क्यों नहीं ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, ये परेशान है, इसीलिए ये आपके पास जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और जो परेशानी है उनके मन में, जिस भी कारण से ये इंसान परेशान है, उस चीज़ को ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आप फिज़िकली इनसे ना मिल पाते हो या ये आपसे नहीं मिल पाते हैं, तो ये डिजिटली आपसे बात करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या, ये आपको पता है, कार्ड दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब ये इंसान खुद से दुखी है। जितना प्रॉब्लम इनको लग रहा है उतना प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन ये खुद से दुखी है, खुद को परेशान कर रहा है, सो नहीं पा रहा है, इसीलिए ये बात करना चाहते हैं। आपने इनको ब्लॉक करके नहीं तो नहीं रखा, अगर रखा है तो खोल दो। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी है, तो इनको ब्लॉक करके रखने से बेचारा अभी दुखी है, परेशान है। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या हो सकता है, इन 72 घंटे में इनका क्या एक्शन हो सकता है, देख लेते हैं इन 72 घंटे में इनका क्या एक्शन हो सकता है। टॉरस, आपके पर्सन की क्या एक्शन रहेगी इन 72 घंटे में। 8 of Swords, 10 of, आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ तो नहीं हो रिश्ते में। द वर्ल्ड के कार्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक में 10 सन का कार्ड, ये हैप्पी 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 होना चाहते हैं, एक विक्ट्री चाहते हैं रिश्ते में, जैसा कि पहले उनका करंट फीलिंग्स था। ये चाहकर भी ये रिश्ता इनके दिमाग से नहीं निकलता है, इनको लगता था कि आपने इनको बहुत परेशान किया, ब्लॉक किया, बात नहीं किया आपने, धोखा दिया, ये कभी भी खुद को इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन इन्होंने ये सारा कुछ से ओवरकम कर लिया है। ये 72 घंटे में दोबारा से आपके साथ रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, रिश्ते को नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। इनको सब पता चल गया है कि ये इनकी मन की बहम है, ये खुद से ये सब सोच रहे हैं, जितना परेशान ये हो रहा है इतना परेशानी है नहीं, तो ये आपके साथ एक नए रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाने की कोशिश ये 72 घंटे में करेंगे। जैसे कि बात करना, अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो खोल देना, खोल दीजिएगा, क्योंकि ये आपसे बात करके सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी पर्सन, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस होने की चांसेस है, 12 के 12 राशि हो सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा मुझे ये राशि के कार्ड दिखाई दिए तो मैंने कहा ये लियो भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं। तो ये कुछ पुरानी जो गिले शिकवे अगर है आप में, अगर बातें बंद है, आप गुस्से में हो या कुछ भी ऐसा कुछ, ये तो वो जो अनफिनिश्ड जो बातें हैं, जो बिजनेस है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। बार बार से ये जो सर्कल आप लोगों की रिश्ते में चला आता है, बातें बंद हो जाना, बात ना करना, ब्लॉक कर देना, ये सारा चीज़ ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये बार बार ये एक ही सर्कल में नहीं जाना चाहते हैं, और ये यही कोशिश करेंगे आपसे बात करके ये सारी चीज़ें सही करना। जैसा मैंने कहा, फिजिकली ना हो, डिजिटली ये आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। यस, सी यही कह रहा है, 10 of Cups, द हर्मिट, 10 of Swords। आप लोग जो अपने दिमाग में जो बातें लेके बैठे हो, जो परेशान हो, तो ये रिश्ता तो पुराना रिश्ता है, हो सकता है किसी शादीशुदा लोगों का एनर्जी इसमें आ रहा है, तो आप लोग जो हो, घर परिवार बच्चे सब कुछ अगर आपके पास है, अगर नहीं भी है लेकिन रिश्ता उस लेवल का है कि आप लोग शादी कर सकते हो, परिवार बना सकते हो, तो परेशान मत हो, अपने बोझ, दिल की बोझ जो है उसको खाली करो, एक दूसरे से मिलो। चुपचाप रहने से रिश्ता सही नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता दिल का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, तो उस तरह से चलिए, ताकि रिश्ता अगर अभी परिवार नहीं है तो परिवार में कन्वर्ट हो जाए, और अगर आप पहले से ही परिवार वाले हो तो कम से कम परिवार वालों के लिए रिश्ते को सही तरीके से चलाने की कोशिश करो। चुपचाप मत रहो, जो करना है, जो एक्शन लेना है वो एक्शन, क्योंकि आप लोग कोई
अनपढ़, मतलब अनपढ़ नहीं, मतलब कोई अनभिज्ञ लोग नहीं हो कि आपको पता नहीं है कि किस तरह से रिश्ता चलाना है, क्या करना है, आपको सब पता है। जिस तरीके से रिश्ते सही किए जाता है उस तरीके का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।